नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक है मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। हरदोई के थाना शाहबाद के अंतर्गत पंचायत उपचुनाव के दृष्टिगत एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन में अवैध शस्त्र के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें ग्राम हिरौली में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं तथा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका खुलासा किया गया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया है कि क्षेत्राधिकारी शाहबाद राकेश वशिष्ठ तथा कोतवाल शिवशंकर सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में शाहबाद क्षेत्र के ग्राम हिरौली में लेखपाल रामकिशोर के गन्ने के खेत से अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 1 अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हरदोई से डॉक्टर शाहिद अली की रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक है दिन हो या रात हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार मोहम्मद अफजल अब की बात। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। शाहबाद के हिरौली गांव में एक गन्ने के खेत में सूचना मिली थी कि वहां अवैध कट्टे बनाने की फैक्ट्री है। इस सूचना पर हमारे इंस्पेक्टर शाहबाद और देवेंद्र सिंह एसआई, योगेश कुमार एसआई और अपने मैं पुलिस बल के साथ गए, गन्ने खेत को घेरा। वहां पर जो 3 लोग पकड़ में आए, एक फरार हो गया है, जो इसमें रमेश पुत्र राम सागर है, इसके बुलावे पे इसका दोस्त राधे श्याम जो मेन मिस्त्री है, वो कट्टे बनाने का काम 10-12 दिन से ये लोग कर रहे थे गन्ने के खेत में, और एक विनोद पुत्र राम स्वरूप है, ये सप्लाई का काम करता था, जो फरार है। एक जो कट्टा खरीदने वाला है वो भी खरीदने के लिए आया हुआ था उस समय, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और इन लोगों के पास से 5 अदद 315 बोर का के कट्टे बने हुए बरामद हुए हैं, अर्धनिर्मित कट्टे ढेर सारे बरामद हुए हैं, इसके अलावा जिंदा कारतूस और 13 अदद खोखा कारतूस विभिन्न बोर के बरामद हुए हैं, बनाने की मशीनें और ढेर सारे टूल्स बरामद हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी सफलता है शाहबाद पुलिस की, और आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। सरी, कहां सप्लाई का इतिहास क्या है और कहां सप्लाई हो रही है? इसमें जो मेन मिस्त्री है राधे श्याम, वो रामपुर और मुरादाबाद में भी कांठ एक थाना है, वहां पर भी कट्टा बनाने का काम करता था, वहां पर उसका आपराधिक इतिहास है। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनहरा से। इस खबर के प्रायोजक है प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनहरा से। इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर शाह गुप्त रोग विशेषज्ञ, हापुड़ रोड, गुलावती, बुलंदशहर। इस खबर के प्रायोजक है पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18। बुलंदशहर में पहली बार दिल्ली और नोएडा की तर्ज पर बना रॉयल फन वर्ल्ड, अब गर्मियों की छुट्टी में करें फुल एंजॉय। बच्चे और बड़ों के लिए उपलब्ध। हमारा पता है गांव चंदेरू, दिल्ली रोड, NH91 बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।